हेलो दोस्तों, टाउन ब्लॉग चैनल में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। यहाँ पे देखिए, मैंने आज पूजा का रूम साफ किया है, तो मैंने सोचा आप लोगों को थोड़ा यह वीडियो भी शेयर कर लूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीके का मैंने सजावट किया है। तो ज़्यादा कुछ खास नहीं, लेकिन जिस जो मुझसे हो पाया मैंने वो उतना किया। और मैं आप चलती हूँ आगे, आप लोगों को काम करके दिखाती हूँ। तो मुझे यहाँ पे आटा पीसना है, तो मैं यहाँ पे बता रही हूँ मुझे आटा पीसना है। तो मैं आज दिखाती हूँ कि मैं कैसे आटा घर पे पीसती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सीखा नहीं, मैंने खुद मतलब डायरेक्टली मैंने पीसना शुरू कर दिया था ऐसे ही। और यहाँ पे देख सकते हैं, मतलब मैं जा रही हूँ गेहूँ लेने छत पर, और गेहूँ डाल दिए थे सूखने के लिए। तो यहाँ पे मैंने गेहूँ लेने जा रही हूँ। और जो है कि यहाँ पे देखिए, गेहूँ जो है मैंने थोड़ा सा पतला सा सुखा रखा था। तो यहाँ पे जो है गेहूँ को मैं अब सुखा ली हूँ। तो जा रही हूँ इतना पहले, आज ज़्यादा नहीं थोड़ा ही पीसूँगी, 4-5 किलो। तो मैंने यहाँ पे इतना गेहूँ ले रखा है, तो अब लेके जाऊँगी नीचे। तो आप लोग देख सकते हैं, मैंने पहले मशीन को सेट करूँगी क्योंकि मशीन ख़राब हो गया था तो इसको बनवाया है। तो यहाँ पे उसका जो जाली वाली सब निकाल दिया गया था, तो मैं इसको यहाँ पे पहले सेट कर लेती हूँ। तो इसका जो है पहले डिब्बे को मैं सेट कर लेती हूँ, उसके बाद जो है उसमें जाली लगाऊंगी, क्योंकि बिना जाली का आटा निकलेगा नहीं। तो यहाँ पे मैंने इसको धुल रखा था, तो फिर मैं सोच रही इसको सेट कर दूँ। तो यहाँ पे मैं इसको चेक कर रही थी, जाली नहीं था उसमें, तो मैं इसमें पहले जाली लगा लेती हूँ। फिर इसके बाद दोस्तों जो है यहाँ पे मैं आटा पीसूंगी। तो कुछ इस तरीके का यहाँ पे जाली लगाने जा रही हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे जो है जाली लगा करके तैयार कर लिए हैं। तो फिर मैं उसके बाद सोच रही थी कि यहाँ पे जो है मैं आटा जो है लगा दूँ पीसने के लिए। तो यहाँ पे मेरा रेडी हो गया है, तो कुछ इस तरीके का होता है। तो फिर उसके बाद मैं यहाँ पे पहले प्लग खोस लेती हूँ, उसके बाद यहाँ पे मैं जो गेहूँ डालूँगी, जितना मतलब थोड़ा सा चेक करने के लिए थोड़ा ही डाली हूँ गेहूँ। तो मैं पहले चेक कर लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मेरा कुछ इस तरीके का चल रहा है, तो हाँ सही है। तो मैंने यहाँ पे देख लिया था। फिर उसके बाद जो है मैंने लगा दिया आटा पीसने के लिए। तो आटा थोड़ा पिसाता रहेगा और उसमें मैं पूरा और भी गेहूँ भर देती हूँ, क्योंकि थोड़ा थोड़ा नहीं करूँगी। यहाँ पर मैं देख चुकी हूँ तो सही था। तो मैं अभी देख लूँगी कि थोड़ा आटा निकल रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे मैं देखी हूँ आटा पिसा रहा है, सही था। तो मैंने इसको लगा दिया, पिसाएगा आराम से धीरे धीरे करके। तब तक मैं अपना और भी कुछ काम कर लेती हूँ। तो यहाँ पे जो है आटा मैंने डाल रखा है पीसने के लिए। तो जो है कि मशीन को मैं चला करके छोड़ूंगी, तो उसके बाद मैं कपड़े आ रही हूँ धुलने के लिए लगाने के, क्योंकि कपड़ा बहुत देरी से धुलने के लिए लगा पड़ा था। यहाँ पे जो है कपड़ा नहीं धुल पाए थे, तो यहाँ पे मैंने कपड़ा को लगा दिया था धुलने के लिए। तो यहाँ पे कपड़ा धुला रहा था, और मैं पानी खोल लेती हूँ, सेट कर लेती हूँ सूखने के लिए, क्योंकि मैंने सुबह से कूलने के लिए लगा रखा था, तो लाइट भी बीच में कट जा रही थी। तो यहाँ पे भी इतना कपड़ा धुला और यहाँ धुला रहा है। तो फिर उसके बाद जो है मेरा यहाँ पे कुछ आप लोग देख सकते हैं, मेरा आटा पीस करके रेडी हो गया है। तो मैं पहले आटा को निकाल लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको कितने अच्छे तरीके से आटा पीस करके हो गया तैयार। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो है मैं आटा को निकाल ली हूँ। अब ड्रम में भर दूंगी, क्योंकि जो है कि आटा उसमें थोड़ा थोड़ा गीला होने लगता है ना। तो यहाँ पे मैं आटा को जो है निकाल ली हूँ। तो मेरा मैं आज इतना ही आटा पीसूंगी, कल और भी पीसूंगी। तो हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय।